महोदय, स्टेटमेंट जो है भारत सरकार का वो नित्यानंद जी ही बताएंगे, मगर मैं कुछ चीजों की स्पष्टता करने के लिए आपकी अनुमति से ही सदन के सामने खड़ा हुआ। सबसे पहले, इस घटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, वो सभी के परिवारजनों के साथ मैं मेरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और बड़े दुख के साथ आज मैं उनके प्रति अपार संवेदना के साथ इस सदन में खड़ा हुआ हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार की ओर से जवाब श्री नित्यानंद राय ही देने वाले हैं। जब यहां पर एक घंटे की चर्चा आपने अनुमोदित की, तब मुझे था कि आज का दिन शायद राजनीति से परे रहेगा, इस पर राजनीतिक टीका टिप्पणियां नहीं होगी। खैर, उद्देश्य से या जानकारी के अभाव से कुछ टिप्पणियां भी हुई और कुछ सदन को पूरा देश देखता है, इसलिए देश के सामने कोई गलत फहमी न जाए हो जाए, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए खड़ा हुआ। दोषारोपण हुआ या जानकारी के अभाव में मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करनी है माननीय महोदय आपके माध्यम से, सदन से और सदन के माध्यम से पूरे देश को। अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी 23 जुलाई को, 7 दिन पहले। फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी, उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी, हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा सर। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो घिसे पिटे शब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है मान्यवर। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, मान्य सांसदों के लिए भी उपलब्ध है, मगर कुछ लोगों को है कि यहां की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी मान्यवर। मान्यवर, वर्षा, एक मिनट आप सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट ब्रदर, प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, ये सदन है। फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डिटेल्स आर बीइंग इंपार्टेड, प्लीज। मान्यवर, मैं तो उस उद्देश्य से ही कहता हूँ, इसको सुनकर सभी राज्य अलर्ट हो, अर्ली में अलर्ट हो जाए। मेरा किसी को ताना लगाने का आशय नहीं है। वर्षा के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हीट वेव के लिए है, तूफान के लिए है, चक्रवात के लिए है, यहां तक बिजली के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो 10 मिनट पहले बिजली अक्षांश रेखांक के साथ कहां गिरेगी वो सीधा कलेक्टर को इन्फॉर्म करती।